है कुछ हफ्तों के लिए, 3 वीक्स के लिए वो कोई इश्तिहार नहीं देता है। और 3 हफ्तों के बाद जब मिसेज जॉन्स इसको याद दिलाती है कि आपको चाहिए कि आप इसके ऑनर को ढूंढे, इसके मालिक को ढूंढे, इसका मालिक आखिर है कौन, तब जाके मिस्टर जॉन्स क्या करता है, उसको शर्मिंदगी महसूस होती है, गिल्ट महसूस होता है, क्योंकि अपनी लालच में वो ये भूल रहा है कि ये किसी और का कुत्ता है। तो वो नेक्स्ट डे ही क्या करता है, अखबार का एक साइड होता है जहां पर इश्तहार वगैरह एडवर्टीजमेंट्स होते हैं, तो वहां पर ये इसका एडवर्टीज करता है एक लोकल पेपर में, ठीक है, लॉस एंड फाउंड कॉलम में। हफ्ता गुजर जाता है और कोई नहीं आता है, ठीक है। लेकिन एक हफ्ते के बाद एक कार इनके घर के सामने रुक जाती है, और ये कार क्या कहाँ की होती है, इट इज फ्रॉम आउट ऑफ द स्टेट, ये स्टेट की नहीं होती है, दूसरे स्टेट की होती है। और मिस्टर जोन्स और मिसेस जोन्स इस वक्त बिजी होते हैं अपने डे टू डे एक्टिविटीज में, लाइक मिस्टर जोन्स जो है वो एप्पल जूस बना रहे होते हैं, और मिसेज जॉन जो होती है वो ऑर्चिड से वापस आ रही होती है, उसके पास बास्केट होता है और उसके कोई पर्पल प्लम्स लिए होते हैं गार्डन से, ठीक है। और ये जो अजनबी है ये सामने आता है, इनके सामने आता है और इनकी तरफ आने लगता है। और अब इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, ये बहुत बड़ा होता है, लंबा होता है, ठीक है। तो ये इनको माफी मांगता है कि बिना बुलाए मैं आ गया, लेकिन अभी ये बात अपनी कंटिन्यू ही कर रहा होता है कि इसको स्मेल आती है, किसकी, अरोमा, स्मेल नहीं अरोमा बोलते हैं, ठीक है, इसको अरोमा आती है किस चीज की, एप्पल जूस की, फ्रेश इसको अरोमा आती एप्पल है जूस फ्रेश की। एप्पल जूस की। तो मिस्टर जॉन्स बहुत अच्छा इंसान होता है, तो वो इसको ऑफर करता है, क्या ऑफर करता है, एप्पल जूस। और ये इतने तो इतना डिलिशियस होते हैं ये एप्पल जूस कि ये तीन और गिलास पीता है, ये और 3 गिलास पीते, टोटल ये 4 गिलास पीते हैं। और मिस्टर जो मिसेस जॉन्स क्या करती है, तब चूंकि लंच का टाइम होता है, तब तक वो क्या करती है, लंच सर्व करती है। और ये जो टॉल मैन होता है ये भी इनके साथ लंच करता है, इनको इस इनकी हॉस्पिटैलिटी, इनकी मेहमान नवाजगी बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। तो आप चूंकि ये बहुत टॉल होता है तो इसको ये पूछती है आपकी हाइट क्या होता है, ये इसको बोलती है मेरी हाइट 6'2" है, और एंड एनिमल एंड आई एम एन इन्फेंट्री मैन, मैंने आपको कल भी बोला इन्फेंट्री किसको बोलते हैं, सोल्जर को, ठीक है। तो आप सीधे बात पे आते हैं, मैंने आपको ये कल पढ़ाया है, अब मैं उन बच्चों के लिए रिपीट कर रही हूँ जिन्होंने नहीं पढ़ा है। तो ये जो टॉल मैन है ये बोलता है असल में मेरे आने की वजह यहाँ क्या है, मेरे आने की वजह यहाँ पर आने की वजह मेरा है कि आपने जो एडवर्टीज दिया था लॉस का, ठीक है, लॉस एंड फाउंड कॉलम में आपने जो एडवर्टीज दिया था एक कुत्ते मैम, को, मैं उसी के लिए आया हूँ, वालेकुम सलाम, मैं कुत्ते के लिए आया हूँ। तो जो ही ये बोलता है तो मिस्टर जॉन्स जो है वो उनका मूड जो है वो खराब हो जाता है, क्योंकि वो उनको वो डॉग जो है बहुत पसंद होता है। तो अब ये बोलता है ये टॉल मैन कि ये मुझसे किस तरीके से खो गया, जब मैं यहाँ से एक दिन जा रहा था कुछ हफ्ते पहले तो मेरी गाड़ी का टायर जो है वो पंचर हो गया, ठीक है, और मैं मैकेनिक को बुलाने के लिए गया और मैंने अपने इस डॉग को कार में रखा, ठीक है, और जब मैं वापस आया तो डॉग वॉज मिसिंग, मेरा जो ये कुत्ता था ये खो गया था, हाँ मैंने इधर उधर ढूंढा लेकिन मुझे कहीं नहीं मिला। आप मिस्टर जॉनसन को भारी आवाज में, मतलब जो उदासी की वजह से वो भारी आवाज होती है ना, ऐसे पूछते हैं आपके कुत्ते की ब्रीड क्या है, क्यों वो छानबीन कर रहे, क्या ये वही कुत्ता है जिसकी मैं मतलब जिसकी ये बात कर रहा है, क्या वो वही कुत्ता है जो हमारे पास है। तो ये बोलता है अ बिग हनी कलर्ड फॉक्स टेरियर, यानी बिल्कुल वही कुत्ता, ठीक है, वही वही फीचर, बिग हनी कलर्ड है, फॉक्स टेरियर है। और इसको ये भी बोलता है वो मुझे आसानी से पहचानेगा और मैं अब इसको आसानी से पहचानूंगा। सो इट वॉज देन दैट होप डाइड इन मिस्टर जॉन्स हार्ट, दिल की उम्मीद, तब तक मिस्टर जॉन्स के दिल में उम्मीद थी कि शायद ये कुत्ता उसका ना हो, लेकिन अब उसकी ये जो लास्ट उम्मीद थी, आखिरी उम्मीद थी, ये भी टूट गई। तो इसको बोलता है वो अभी आएगा, वो हमारे पड़ोस की एक लड़की के साथ बाहर गया है,
तो वो अभी आएगा और मुझे उसका नाम जानने की बहुत क्यूरियोसिटी है, तो आप उसको नाम से बुलाएगा ठीक है, ताकि वो आपको पहचाने। तो इतने में वो कुत्ता आ जाता है, तो मिस्टर जॉन इसको कहते हैं कि इसको खुशी होगी आपको देखकर। तो जब डॉग स्टॉलमैन को देखता है तो वो दौड़कर क्विकली ठीक है तेजी से इसकी तरफ आता है, लेकिन अचानक वो बीच में रुक जाता है। वो कभी स्टॉलमैन को देख रहा होता है तो कभी मिस्टर जॉन्स को, ये इन दोनों के दरमियान होता है। वो कभी इसको देख रहा होता है तो कभी उसको। अब ये कभी इसको और कभी उसको क्यों देख रहा होता है, क्योंकि ये बेचारा कंफ्यूज होता है, पजल्ड होता है कि मैं किसके पास जाऊं। एक मेरा मालिक है जिसके पास है बहुत टाइम के ले रहा हूं, और दूसरा मेरा वो पार्टनर है जिसने मुझे तब लिया जब मुझे यहाँ कोई नहीं था और मेरी केयर करता है, ठीक है मिस्टर जॉन्स की बात कर रही हूँ। तो उसको वो भाका भाका बेचारा रह गया। तो फिर उसने डिसाइड किया और वो मिस्टर जॉन्स की तरफ आया और उसके हाथ को लिक करने लग गया, ठीक है। आफ्टर एन ऑकवर्ड साइलेंस द स्ट्रेंजर सेड देयर इज अ रिजेंबलेंस, अ रिमार्केबल रिजेंबलेंस। अब ये ऑकवर्ड साइलेंस थी, मतलब समझ नहीं आ रहा था, टॉल मैन को भी नहीं समझ आ रहा था, ये जो मिस्टर जॉन्स था इसको भी समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि साइलेंस थी। इसको जाना था टॉल मैन के पास अकॉर्डिंग टू द टॉल मैन, क्योंकि उसने जो डिस्क्रिप्शन दी थी बिल्कुल इसी के साथ मैच होती थी, लेकिन गया मिस्टर जॉन्स के पास तो एक ऑकवर्ड सी साइलेंस थी, ऑकवर्ड साइलेंस, समझ में नहीं आ रहा था किसी को कि क्या बोले। तो अब ये जो टॉल मैन है ये बोलता है देयर इज अ रिजेंबलेंस, अ रिमार्केबल रिजेंबलेंस, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा ये है रिजेंबल हो रहा है ये कुत्ता उस कुत्ते से जो मुझसे खो गया है। बट डॉग ऑफन लुक अलाइक, लेकिन कुत्ते एक दूसरे की तरह लगते ही है, मतलब ये कह रहा है कि शायद ही मेरा कुत्ता नहीं है, क्योंकि कुत्ते जो है वो एक दूसरे की तरफ अलाइक, दे आर अलाइक, मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे आर अलाइक, वो एक जैसे ही होते हैं, तो शायद ये रिजेंबल हो रहा है मेरे कुत्ते से। चलो द नेम विल टेल, अच्छा चलो ठीक है मैं इसको अब नाम से बुलाता हूँ, अगर ये मेरे नाम बोलने पर मेरी तरफ आया दैट मीन्स ये मेरा है। हियर चीफ ही इज कॉल्ड सॉफ्टली, वो आहिस्ते इसको बोल रहा है चीफ चीफ, ठीक है, यानी इसको ये इस नाम से बुला रहा है। द डॉग्स ओनली रिस्पॉन्स वॉज टू विम्पर एंड प्रेस हिज फेस अगेंस्ट मिस्टर जॉन्स आउटस्ट्रेच्ड हैंड। तो चूंकि अब इसको ये नाम से बुला रहा है, अगर ये इसका कुत्ता होता तो ये पीछे मुड़ता और कम से कम अपने नाम पर ठीक है ये कुछ रेस्पॉन्स देता, लेकिन ये कुत्ता कोई रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है, वो सिर्फ क्या कर रहा है, आपने देखा होगा कुत्ता तो थोड़ा सा शोर करता है तो सॉफ्टली, और अपने सिर को जो है या अपने फेस को वो प्रेस कर रहा है मिस्टर जॉन्स के हाथ पे जो उसने आगे किया था हाथ उसका, ठीक है। Not my dog, said the tall man. तो tall man अब सीधे बोल रहा है ये मेरा कुत्ता नहीं है। He thanked Mr. and Mrs. Jones for their hospitality and left in a hurry. तो ये अब इसने मना ही कर दिया, ये मेरा कुत्ता है ही नहीं, ये इसका कुत्ता ही नहीं था, ये नाम पे इसने बेचारे ने रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। तो मिस्टर एंड मिसेज जॉन्स का ये शुक्रिया अदा करते हैं फॉर देयर हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी किसको बोलते हैं, जल्दी बोलो, खिदमत, खिदमतदारी, मेहमान, एग्जैक्टली मेहमान नवाजी को आप यहाँ पर लिखेंगे मेहमान नवाजी। यहाँ पर आप लिखेंगे हॉस्पिटैलिटी को मेहमान नवाजी, ठीक है। मेहमान नवाजी, ठीक, मेहमान नवाजी, ऐसे ठीक है लिखा सब उन्हें? यस मैम, नो मैम। मेहमान नवाजी के लिए, हॉस्पिटैलिटी के लिए इन्होंने इनका शुक्रिया अदा किया। एंड ही लेफ्ट इन अ हरी, वो जल्दी में चले गए। फाइन यंग येलो, सेड मिस्टर जॉन्स। अब मिस्टर जॉन्स बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि इनका कुत्ता नहीं था,
और वो चले भी गए तो इसको ठीक है. Wonder why he was in such a hurry. अब यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ, मुझे बताइए आपको क्यों लगता है कि वो टॉल मैन जो था he was in a hurry. वो जल्दी जल्दी में वहां से निकला, जरा बोलो जल्दी से. क्योंकि मिस्टर जॉन्स उसको बोलता है फिर क्यों आप यहाँ आए. ओके, बजत बोल रही है, मिस्टर जॉन्स उसको बोलते, चलिए आपने ठीक बोला. नेक्स्ट, आप ट्राई करो बेटा, आपको क्यों लगता है ये क्यों जल्दी जल्दी भाग गया. मैम क्योंकि आपको पता चला कि ये तो कुत्ता नहीं है. चलिए आपके सारे सवालों का जवाब अब आगे वाली लाइंस में है, ठीक है. बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये. चलिए, अ वीक पास्ड बाय एंड नो क्लेमेंट अपीयर्ड. अब एक हफ्ता गुजर गया और कोई क्लेम करने के लिए नहीं आया कि ये कुत्ता मेरा है. क्लेम करने के लिए कोई नहीं अब आया, ठीक है. The problem now is to find his real name. Mr. John told his wife. अब Mr. John को ये टेंशन थी कि इसका असली नाम क्या है, ठीक है. तो वो अपनी वाइफ को बोल रहे थे कि पता नहीं इसका असली नाम क्या है, क्योंकि ये नहीं अच्छा लग. इन्होंने, मैंने आपको पहले ही पढ़ाया ना कि मिस्टर जॉन्स ने कहा कि बैड लक होता है कुत्ते का नाम चेंज करना, तो यही वजह है कि ये इसको और किसी नाम से अब नहीं पुकार रहे हैं. They want to know his real name. ठीक. The same day, तो जिस दिन इसने अपनी वाइफ से कहा कि इसका असली नाम क्या है, ये प्रॉब्लम है, आप कैसे पता चलेगा. The same day, a telegram arrived. उसी same day पे एक telegram आता है, ठीक है. It was from a distant city, और ये किसी दूर सिटी से आया था. And was unsigned, और इस पे कोई नाम वगैरह पता वगैरह भी नहीं लिखा था. It said, try happy. उस पर सिर्फ इतना लिखा था कि आप try करो happy, यानी happy नाम से आप इसको पुकारो. अब क्वेश्चन आता है कि ये टेलीग्राम किसने भेजा था. एग्जैक्टली, ये भेजी थी उसी टॉल मैन ने. दैट मीन्स ये उसी का कुत्ता था, लेकिन उसने गलत नाम से इसको पुकारा. उसने इसको चीफ नाम से पुकारा, है ना. क्यों? मिस्टर जॉन्स के सामने. क्यों? वो नहीं चाहता था कि मिस्टर जॉन्स की खुशी मैं उससे छीनूं. और उसको ये भी पता लगा कि कुत्ता जो है वो मुझसे ज्यादा मिस्टर जॉन्स को पसंद करता है. वो नहीं चाहता था कि मेरी वजह से मिस्टर जॉन्स को दुख हो और मिसेस जॉन्स को दुख हो. और वो ये भी नहीं चाहता था कि इस कुत्ते को मैं इनसे दूर ले जाऊं, क्योंकि ये जो कुत्ता था ये उनके साथ बहुत खुश था. तो एक किस्म की वो खुशी उनको देना चाहता था. वो नहीं चाहता था कि, देखो उसको तो वो ले सकता था उस कुत्ते को, क्योंकि वो उसका मालिक था, लेकिन मिस्टर और मिसेस जॉन्स का दिल टूट जाता है ना. वो बुजुर्ग इंसान थे, दोनों अशखास बुजुर्ग थे, तो उनका दिल टूट जाता था. तो उनका दिल रखने के लिए उसने खुद को ही झूठा बनाया और गलत नाम से इस डॉग को पुकारा. और इसीलिए वो हरी में था, क्योंकि उसको डर था कि अगर कहीं मैं और टाइम के लिए वहां रुक गया तो कहीं अगर कुत्ते ने मुझे पहचान लिया फिर ये मेरे साथ आ जाएगा और उन दो बुजुर्गों का दिल टूट जाएगा. दैट्स व्हाई ही वाज इन अ सच हरी. आया समझ? यस मैम. तो असल में इसका मालिक कौन था? यही टॉल मैन था. यस मैम. तो लेकिन इसने गलत नाम से पुकारा इसे, और इसीलिए वो जल्दी जल्दी में था कि वो नहीं चाहता था ये कुत्ता मेरे साथ अब आए. और ये भी, ये जो टॉल मैन था, इसका जो जो मिस्टर जॉन्स एंड मिसेस जॉन्स की हॉस्पिटैलिटी थी, उनकी मेहमान नवाजी थी, उससे इसको पता चल गया कि ये कितने अच्छे इंसान है, काइंड पर्सन है. तो उनका दिल रखने के लिए उसने खुद को ही झूठा बनाया और वहां से चला गया. अब इस कुत्ते का असली नाम क्या था? हैप्पी. 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 मैम हैप्पी. Okay, are you happy now by listening this story? Yes, ma'am. Yes, ma'am. I'm so happy. आप लेकर ये याद रखना, इस स्टोरी का मॉरल क्या है कि किसी का दिल रखने के लिए इंसान को एक सेकेंड. इसका, इस स्टोरी का मॉरल अगर मैं लूं ऑल ओवर, तो इसका मॉरल ये बनता है कि
असल खुशी वो खुशी है जब आप किसी को और को खुश करोगे। इसने उनकी खुशी देखकर इस कुत्ते को वहां छोड़ दिया, या इस कुत्ते की खुशी देखकर मिस्टर जॉन्स के साथ, क्योंकि उसको लिख कर आता है हैंड को, और दोनों में उसने मिस्टर जॉन्स को ही चुना, तो उसका दिल रखने के लिए, इन दोनों का दिल रखने के लिए, इनको खुशी देने के लिए उसने अपनी खुशी कुर्बान कर दी, क्योंकि रियल हैप्पीनेस इसी में है। संदलीन, दिस इज नॉट योर ग्लास, लीव द ग्लास। ओके, तो चलिए क्वेश्चन आंसर्स की तरफ नजर घुमाते हैं। पेंसिल साथ में रखेंगे आप लोग, ठीक है? So, which of the following word describe the fox terrier? Fox terrier को इन वर्ड्स में से कौन डिस्क्राइब करता है? ब्लैक, ब्लैक करता है, वो ब्लैक था। अब उसकी टेल और नीली कलर अब उसकी टेल हनी कलर कौन सा? उसकी टेल हनी कलर। हम क्यूरियस। चार है ना, बुशी टेल, हनी कलर, क्लेवर, क्लेवर एंड क्यूरियस। आप दूसरा, डिड द डॉग कम फ्रॉम नो बियर? ये पता नहीं कहाँ से आया था, है ना? Yes, ma'am. Okay, ninth वाला देखो, ये वाला पहले करेक्ट ऑप्शन। समझ में नहीं आता। आपका बेटा चुप करो, आप यही का सुनो। ही वॉज टॉल एज वेल एज फ्रेंडली, ठीक है? जो मैंने पीडीएफ भेजी है उसमें मैं फ्रेंडली को टिक लगाना भूल गई हूँ, आप खुद लगाना, ठीक है? ओके, नेक्स्ट वन इज द डॉग स्टूड बिटवीन द टू मैन। वो कुत्ता जो था वो इन दरमियान था। वो हैप्पी नहीं था उस टाइम पे, मरना था, नहीं था। ओके मैम, पजल। वेरी गुड। हाँ बेटा, मैं नई वाले को क्या आएगा? हाँ जी, मैं नई वाले को क्या आएगा? नाइन्थ वाले को टॉल एंड फ्रेंडली है दो। ओके, क्वेश्चन नंबर थ्री है, Where did Mr. Jones work for 35 years? 35 years वो कहाँ पर काम करते थे? करते थे क्लर्क का काम। क्या उनका काम बोरिंग था या इंटरेस्टिंग था? बोरिंग। बोरिंग। Of course, उनका काम बोरिंग था, because he used to work in the same office on the same chair and did the same thing day in and day out. Question number four. What was Mr. John's dream? When did he realize it? Mr. John's a cop. Ma'am, usko ek ye countryside mein rahe aur nature ko enjoy kar rahe hain. Aur usne tab ye realize kiya jab wo retire ho gaya. Question number five. Kya hai? बेटा ये हम डिस्कस ही कर रहे हैं, लेटर आई विल सेंड पीडीएफ ऑफ इट, डोंट वरी अबाउट दैट। आप भी क्या ग्रुप में सेंड पीडीएफ इसका? मैं अभी करूंगी। व्हाट डिड मिस्टर जॉन्स एंड हिज वाइफ डू इन द फॉर्म? मिस्टर और मिसेस जॉन्स क्या करते थे फॉर्म में? मैं वो वेजिटेबल्स लगाते थे। एग्जैक्टली, वेजिटेबल्स और फ्रूट ट्री लगाते थे। यस मैम। व्हाट गिव जॉन्स ग्रेट जॉय? मिस्टर जॉन्स को क्या चीज खुशी देती थी? जब वो वॉक पे जाते थे क्या उनको इंटेंसिव जॉय देती थी? ग्रेट जॉय। नेचर। लेकिन क्या?
मैं नेचर क्या आवा मैम जैसे कि केरल ये ना ना ट्रैक हाँ स्कैरल क्रैकिंग स्कैरल स्कैरल जब वो नट को क्रैक करता है वो उसको खुशी देती थी जब बर्ड चहचहाते थे तो उसको उससे खुशी मिलती थी. व्हाट डिड मिस्टर जॉन लॉन्ग फॉर मिस्टर जॉन किसके लिए चाहत करते थे तमन्ना करते थे कि मेरे पास ये हो. मैम जॉन के लिए मेरे पास एक ऑस्ट्रेलियन डॉग हो. अच्छा मिस्टर जॉन ने कितने दिनों के बाद जो है एडवर्टाइजमेंट दी न्यूज़पेपर में. ओके हाउ हैड द स्ट्रेंजर लॉस्ट हिज डॉग. मैम उसके डॉगी का टायर प्लेन वेरी गुड मिस मैम. अच्छा डॉग जो था वो उन दो आदमियों के दरमियान जो था वो पजलर था. इसके लिए मुझे आप रीजन दीजिए कि वो पजलर क्यों था. मैम क्योंकि जो वो सोच रहा था कि मैं अपने बॉडी के लिए मिस्टर जोन्स से बात वो कुत्ता डिसाइड ही नहीं कर पा रहा था कि उसका रियल मास्टर है कौन. होम डिड द डॉग एक्नॉलेज एज हिज मास्टर. मैं जिसे पूछूंगी खाली वो जवाब देगा. बस हाफिज चुप हाफिज चुप. जिसे मैं पूछूंगी वो जवाब देगा. शिफा रोल नंबर 6. यस मैम. जरा बोलो बेटा. मैम बोली बुक है ना सामने. यस मैम. होम डिड द डॉग एक्नॉलेज एज हिज मास्टर. यस मैम. Question number 12. Whom did the dog acknowledge as his master? Mama. Afsoos, aapko nahi aaya. Uruj, Seerat. Uruj and Seerat. Beta, are you there? इर्तिकाज लाइन अब रोल नंबर 4. मैं मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है. मसरूर रोल नंबर 11. यस मैम. क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बोलो बेटा मुझे. हू डिड द डॉग एक्नॉलेज एज हिज मास्टर. उसने किसको मास्टर ये पहचाना अपना. मैम ये मिस्टर जॉन्स को. तो यही बोलना है मिस्टर जॉन्स को. क्या जो ये स्ट्रेंजर है इसने क्लेम किया डॉग को अपना. नो मैम. और किस नाम से उसने उसको पुकारा. आजिम. यस मैम. यस मैम. व्हाट वाज मिस्टर जॉन्स कीन टू फाइंड आउट. मिस्टर जॉन्स किस चीज के लिए क्यूरियस थे जानने के लिए. व्हाट इज द टेलीग्राम. मैम टेलीग्राम ने बोला कि आप इसका ये नाम रखो कि ये है. आप ट्राई करो इसका नाम हैप्पी रखना. हैप्पी रखो नहीं टेलीग्राम ने बोला कि ट्राई हैप्पी दैट मींस इसका नाम हैप्पी था. इसकी पीडीएफ yes, आपकी ग्रुप पे सेंड हो गई है. राइट एंड लर्न दिस लेसन. यस टुमारो आई एम गोना चेक योर नोटबुक्स. यस मैम. गॉट इट. यस मैम. एनी क्वेश्चंस डियर स्टूडेंट्स. नो मैम. ओ मैम.
ओके पीडीएफ मैंने सेंड कर दी है, आप ये लर्न करेंगे लेसन और कल आप पीडीएफ बनाएंगे और वो ग्रुप में सेंड करेंगे और मैं आपकी नोट चेक करूंगी, ठीक है? आज के लिए इतना काफी है, अल्लाह हाफिज डियर स्टूडेंट्स। ओके मैम, अल्लाह हाफिज मैम, अल्लाह हाफिज मैम, अल्लाह हाफिज मैम। मैम आपको गिफ्ट बिंदु मैम ने मेरी ली सेंड। हाँ जी बेटा, हाँ जी बेटा, तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया। ओके okay.